हाथ कंठ को ले गई रे प्राण भैया, हाथ पकड़ो भीतर ले गई आंगन में आंगन में। अरे तो प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, हो के हाथ पिया तू ले गई रे प्राणन भैया प्यारी। पलिया दिला दबाई किलम छपाई दई देखे घुटनों के बल जमीन पे बैठ गई, कहने लगी नाथ जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, आज क्या हो गया जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगी। राजा ने अपनी गोरी की कलाई पकड़ के कहा हे प्राण प्यारी, बामन अंगुल का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए और उन्होंने तिरबाचा भरवा के 3.5 कदम धरती मांगी। गुरु ने मना किया मगर हमने गुरु की बात नहीं मानी, संकल्प छोड़ दिया। भगवान ने अपना बदन इतना विराट बना लिया कि 3 कदम में 3 लोकों को नाप लिया, 1/2 कदम बाकी है। गोरी हम अपनी पीठ नपाने को तैयार हैं, कि तुम अपनी पीठ नपा सकती हो? आजकल की जी होती तो क्या कहते, आजकल की जी होती तो कहती कि हमें करिया मैके और तुम भाड़ में जाओ, हमें करिया मैके। और तुमने देखा भी होगा लोगों, पहले की जो माताएं थी मांग भरो करती थी, बीच में तो पूरी मांग पूरी, अब ने किनारे से सिंदूर धल लेती हैं और कहती हैं हो समरो ने किनारो बहु धरो। भाइयों आप लोग सब यही बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों जब राजा ने कहा गोरी तुम अपनी पीठ नपा दोगी तो कितना सुंदर जवाब देती, और मैं तो सही कहूंगा लोगों, ऐसी औरत जिस मर्द को मिल गई वो मर्द बड़ा किस्मत वाला है। क्या बोली, इस तन पर है अधिकार तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर पाई को, कितना प्यारा जवाब, इस तन पर है अधिकार तुम्हें
नपाऊंगी और भगवान को बताऊंगी कि भक्तों को ऐसे सताते, उंगली पकड़ ली है अपने साधन को लेके चली दरवाजे के लिए। धीरे धीरे रानी चल भाई दद भमर कलिन में पामरे दद चंप कलिन बोले ये तुम्हारी औरत? हाँ महाराज, घर में बहुत देर कर दी, लेट जाओ, महात्माओं के पास ज्यादा समय नहीं होता, लेटो। राजा पेट के बल लेटे हैं भक्तों और रानी पेट के बल लेटी हो खड़ी हो गई। राजा कहने लगे, गोरी क्या बात है, अगर नहीं लेटने को मन करता था सब तो घर ही मना कर देते। अब तो बड़ी बदनामी होगी। रानी कहने लगी, पिया मैं लेट तो जाऊंगी, हमें भगवान से तो बात ही कर लेंगे, उसे लेट जाऊंगी, कर लो। प्रभु के सामने ये लड़की पहुंची, देखो कितना मसाला था इसकी खोपड़ी में। कहने लगी, प्रभु हमें एक बात बता। भगवान बोले, पूछो। धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान बोले, धनो धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता। रानी बोली, धनो धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता? भगवान बोले, हाँ। तो रानी बोली, धनो धनी में कौन मालिक है कौन नौकर है? भगवान बोले, धन मालिक है वो धनी मालिक है, धन नौकर है, धन नौकर है। हाँ। रानी बोली, फिर तो खाता आपका पूरा हो गया। कैसे? सुनो, रानी बोली, बस महाराज निश्चय मुकिरणी होगा, तीन कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा, तीन कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी। आधा कदम धनी हो गया, आपका खाता तो पूरा हो गया महाराज। लोगों, बात की बात में बात ही काम कर गई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान कहने लगे, धन्य हो देवी, तुमने मुझे अपने वचनों में ऐसा फांसा, मेरे तो ओसे ही उड़ गए। वरदान मांग लो। रानी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेई मांगे तो मांग ले। भगवान आए राजा बल के सामने, वरदान मांगो ना राजन, वरदान मांगो। राजा बल बोले, महाराज बेई के झूले तो ले ले। अब रानी के सामने आए वरदान।